और कैसे हैं सभी? जहाँ तक उम्मीद है एकदम फिट फाट होंगे, तो मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और चलिए देखिए, आज हम एकदम नरम मुलायम लौकी लाए थे, तो उस लौकी से बहुत ही बेहतरीन पराठा बनाया है। तो कैसे बनाए हैं, क्या क्या डाल के बनाए हैं, उसमें क्या क्या पड़ा है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए देखिए, उसको एंजॉय करिए। तो राम राम, प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में आज लौकी का पराठा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इडली है, चटनी है और सब्जी है। तो चलिए देखिए कैसे किस तरीके से बनाया है, बहुत टेस्टी अम्मी बना है। चलिए एंजॉय करिए। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी का। तो आज की शुरुआत हम करेंगे गर्म पानी और मेथी के दरबरा पाउडर से, क्योंकि घुटने और कमर के लिए फ़ायदेमंद होता है। मेरे घुटने में दिक्कत हो गई थी, तो हमने मेथी को दरबरा पीस लिया है और पानी मेरा जितना गर्म चाहिए उतना हो गया। गैस को करेंगे बंद, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए पानी, उतना गर्म लेना चाहिए जितना आप पी सको। आज मेरे यहाँ फिर इडली बनेगा, उस दिन हमने बनाया था, बहुत सबको पसंद आया। तो उसकी चटनी का फिर सामान सेम है, नारियल है, मिर्चा है, लहसुन है, धनिया है, थोड़ा सा भुना चना है, करी पत्ता है और लाल मिर्च है और नमक डाल लेंगे। और इसके बाद गोभी की सब्जी भी बनानी है, आलू गोभी मटर, मटर है अंदर फ्रिज में रखा है। और ये हो गया मिर्चा, हो गया लहसुन, हो गया टमाटर, हो गया प्याज, हो गया धनिया, हो गया अदरक, शायद ख़त्म है, थोड़ा अदरक रहता है तो आलू गोभी की सब्ज़ी और अच्छी लगती है। और एक स्पेशल पराठा हम बनाएंगे लौकी से। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे क्या बनाते हैं। सब्जी तो सभी लगभग बना लेते हो, जैसे कॉमन है सब्जी, पर ये पराठा हम बताएंगे आपको। इडली तो आप लोगों ने देखा ही है उस दिन, बहरहाल फिर बता देंगे। आलू गोभी कट गई है, इसका मसाला छिला कटा गया है और लौकी भी मेरी छिल गई है। तो अब लौकी को हमें क्या काम करना है, कटिंग करनी है। और उससे पहले मैं आपको बताएं कि हम आटा लिए हैं, अपने खुद के घर के चक्की का पिसा हुआ आटा है, थोड़ा दरबरा आटा है, तो इसका और भी टेस्टी बनेगा जो कुछ हम बनाने जा रहे हैं। तो फिर चलिए देखिए लौकी को पहले कटिंग करते हैं। लौकी कटिंग कर लिया दोस्तों, अब इसी में हम डाल देंगे जीरा और इसको खूब बारीक सब पीस लेंगे। लौकी हमारी बिल्कुल पिस गई है, अब हमें इसी लौकी से दोस्तों आटे को मारना है। अलग से पानी नहीं डालेंगे, पहले इसी से मार लेंगे, इसके बाद देखेंगे जैसा हमें ज़रूरत होगा पानी का वैसा देखेंगे। और इसी में थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। तो दोस्तों पानी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ रही है, आराम आराम से इसी से हो जा रहा है, अलग से पानी जरा भी डालने की नौबत नहीं आई। तो पहले आप लौकी के पेस्ट से ही आटा मारें, जब कम पड़ेगा तभी डालिएगा। बिना पानी के आटा मेरा बिल्कुल एकदम से रेडी हो गया, अब इनको ढक देंगे हम एक साइड। अब मसाले को पीस लेंगे, सब्जी बना लेंगे। सभी चीज़ों को कट करके मिला दिया है, लहसुन प्याज और मिर्चा। अब इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे, थोड़ी काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी सरसों डाल देंगे, गोभी की सब्जी है तो टेस्ट और बढ़िया आ जाएगा। और इसी में दो चम्मच, छोटा चम्मच है मेरे पास, तो धनिया डाल देंगे। अब सभी को पीस लेंगे। चढ़ा दिए हैं कढ़ाइया, डाल दिए सरसों का तेल, डाल दिए पंचफोरन, थोड़ी डालेंगे हींग और डालेंगे कोहड़ौरी अपना। इसके बाद फिर डाल देंगे हम मसाला, हमारा हो गया है, इसी में और सब्जी मसाला जो हमने पीसा है वो डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। गोभी खूब बढ़िया हो गई है, इसी में मसाला डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाते हैं। अब इसी में आलू डाल के कुछ नहीं करना है, ढक देना है एकदम धीमी आंच करके, इसको पकने देना है बढ़िया से। और हाँ, बिना सब्जी को छेड़े नमक भी डाल देंगे ताकि नमक भी गलता रहे और सब्जी गलती रहे, अच्छे से पकती रहे। तो मेरा सीक्रेट तो यही रहता है। अब सब्जी मेरे बिल्कुल एकदम होने वाली है, ढक दिए, इतनी देर के लिए ढके, देखिए आलू भी पक गया एकदम से। अब इसमें सब हमें डाल देना है जितना हमें पानी डालना है।
अब इसमें टमाटर काट के डाल देंगे। फिर ढक देंगे, जब ये खौल जाएगा तो धनिया डाल देंगे। हो गया फुर्सत हमारी सब्जी का बिल्कुल तैयार। अब चटनी पीस लेंगे सब मिला के। हमारा लौकी का पराठा बनने जा रहा है। आज देखते हैं कैसे कोई लौकी नहीं खाता है। तरीका चेंज कर दो, अपने आप सब खाने लगेंगे। इसको पूरा त्रिकोण पराठा बना लेंगे। बना करके पहले तवे पे टिक्की एक ठो डाल देंगे ताकि डायरेक्ट ये न रहे। देखिए मेरा पराठा एकदम से बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ऐसे लौकी की यूज हम कर लेंगे। तो भैया आज का मेरा पराठा, इडली, चटनी और आलू गोभी की सब्जी सब एकदम रेडी है। तो कैसा लगा आज का मेरा भोजन? और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।